जय जगन्नाथ फ्रेंड्स आपण मानंकु आमो चैनल को स्वागत आज आमे मेष राशि थारु आरंभ करी मीन राशि पर्यंत आमो राशि चक्र रे थिबा 12 गोटी राशि रो संपूर्ण राशि फल विषय रे जानिबा एहा पूर्व रु सर्वप्रथमे पंचांग विषय रे जानिनेबा आज हेउछि नोवेम्बर 9 तारीख मंगलवार 2021 मसीहा कार्तिक मास शुक्ल पक्ष तुला 24 दिन पंचमी तिथि पूर्व साढ़ा नक्षत्र धनुचंद्र निशांत 60 दंड ओहो रात्र फ्रेंड्स जेमिति कि आपण माने जानि छथि कि आमो राशि चक्र रे 12 टी राशि रहिछि आउ ए 12 टी राशि को मध्यरु केउ राशि रो कोन सबु दर्शाउछि आजिर दिन आपणकर कोन रहिबो आज आमे देखि नबा एही वीडियो रे मेष राशि ठारु आरंभ करी मीन राशि पर्यंत 12 टी राशि रे कोन सबु आज दर्शाउछि तो प्रथमे जानिबा मेष राशि रो व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटी किपरि रहिबो आजिर दिनटा क्रीडा रे भावना नेबा पई अति उत्तम रहिबो कारण चिरदिन पई जौवन अवस्था रे रहिबार रहस्य हे नुह धन संबंधीय कोनोसी मामला जदि कोर्ट कचेरी रे चालू थाए तेबे आजि सेथिरे आपण विजयी प्राप्ति करिवे एवं आपणकु धन प्राप्ति मध्ये होई पारे आपणकर अनुस्थित आचरण जोगु आपणकर प्रिय सह विवाद मध्ये आपणकर सृष्टि होई पारे घरे विवाद मध्ये उपजिबो आपणकु दामिका उपहार भी आपणक प्रियर चेहरा रे खुशी आनी पारे असफल आपण हेबे कारण ताहा तांकु टिके भी प्रभावित करिबो नाही काम कार्य रे टिके असुविधा पई दिन रे आपणकु किछि भलो देखिबाकु मिली पारे आजि धार्मिक एवं सामाजिक उत्सव पई उत्तम दिन अटे आपणक जीवन साथी देह आज सुस्थ रहिबो प्रकृति आपणकर कार्य उपरे पानी ढाली पारे आज आलोचना सभा समिति एवं कर्मक्षेत्र पई मध्य प्रशस्त दिन अटे परिवार परिवहन लोक संपर्क जान वाहन दिगरे मध्य आज उन्नति करिबे निजर लोक माने विरोधाचरण मध्य करि पारंती वाणिज्य व्यवसाय निर्माण आनुष्ठानिक कार्य विवादीय घटना अर्थ संकल्प क्षेत्र रु मध्य आज उपकृत हेबे आपणक पई आज प्रतिकार हेउची ओम नमः शिवाय एही मंत्रर 108 थर जप करंतु किंबा अति कम रे 11 थर जप करंतु एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्ज्वलमय हेबो एबे आसंतु जानिनेबा वृष राशिर व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटि किपरि सब्यस्त हेबो निजर निजे चिकित्सा आज करंतु नाही कारण औषध उपरे निर्भरता बढ़िबा संभावना को मना करि पारिबे आज आपणकर यात्रा एवं टंका खर्च करबा को मध्य घरु मनबळि पारे किंतु एहा जोगु शेषरे आपण अनुभव करि पारंती कि आजिर दिनटा खुशी भरा रहिबो कारण आपणकु आपणकर जीवन साथी सबु प्रकारर खुशी देबा को प्रयास करिवे भल पाइबा भावना जोगु आज आपण अधिक खुशी एवं उत्तेजित मध्य अनुभव करिवे जदि आपण आपणकर कार्य उपरे ध्यान देबे ताहले सफलता एवं प्रतिष्ठता आपणकर ही हेबो एही राशिर व्यक्ति माने बड़ मजेदार से माने गहली रे हेउ बा एकाकी हेउ सबु स्थान रे खुशी रही पारंती जदि बा एकाकी खुशी एते सहज नुह तथापि आज आपण आपणकर व्यस्त बहुल जीवन रे मध्य निज पई समय बाहर करि पारिबे एवं खुशी मध्य रहिबे आजिर दिन रे आपणको सामान्य वैवाहिक जीवन ठु किछि अलगा मध्य होई पारे आज आपणको आपणकर जीवन साथीकर किछि विशेष देखिबाकु मिली पारे कर्मक्षेत्र रे आकस्मिक भाव रे सुजोग आपण छाई आसी जीवो किंतु किछि लाभ हेबो नाही प्रस्तुति पथरे थिबा कामगुडीक संपूर्ण हेबा कष्टकर होई पडिबो बंधुक गहण रे सत्य कथा प्रकाश करी मध्य अपमानित होई पारंती प्रशासन प्रशासन मनोरंजन सफलता हासिल करिबे आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कोनोसी मंदिर रे कर्पूर रो दान करंतु एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ ओ उज्ज्वलमय हेबो एबे आसंतु जानिनेबा मिथुन राशिर व्यक्ति विशेषक पई आजिर दिनटि किपरि रहिबो आपणकु सबुठारु बड़ संपत्ति हेउची आपणकर हसिबा एवं हसैबार कला निजर स्वास्थ्य ठीक करिबा पई ताहार उपयोग करंतु
आर्थिक दृष्टिकोण रु आज दिन विस्तृत फल आपणक प्रदान कर आज आपणक धन प्राप्ति हेले से बहुत परिश्रम पड़पे आपणकर आचरण जो आज आपणकर सांगसाथी मैंने आपणी विरक्त हो पारती आपण को दया और स्नेहरे भरा प्रेमर उपहार प्राप्ति हेबो व्यापारी मैंने वाणिज्य गोपनर तथ्य तथा योजना कहारी आगे प्रकाश करने कथा नुह एपरी कले आग को आपण ही असुविधार सम्मुखीन हो पारती आज भल विचार खराब रुहतु एवं आपण चयन करशायी बहुत बेसी लाभ पाइबे आज दिन में आपणकर सामान्य वैवाहिक जीवन रु कि अलग हो पारे आज आपण को जीवनसाथी आड़ कि विशेष देखा मिल पारे मन जमी चाहूँगी ठीक सेमती कम संपन्न होबारे कौन प्रकार असुविधा होबना निजर बुद्धिमतार प्रयोग कर प्रत्येक क्षेत्र में साफल्य मंडित हेबे साहित्य एवं संगीत सुनाम अर्जन करेंगे एवं अर्थावस्था उन्नति घटव सेवा वाणिज्य व्यवसाय एवं परिवहन रे किसी असुविधा होबना आपणों आज प्रतिकार होची भगवान शिव को गंगा जल चढ़ातु यह करने द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ और उज्जवलमय हो एबे आसंतु जाणिने बा कर्कट राशि व्यक्ति विशेषक आज दिन टी किपर सब्यस्त हो यात्रा एवं बंधु मान सहित समय जो आज आप खुशी अनुभव करेंगे जदि आप भल भाव जीवन जापन करने चाहते आपण को अर्थ आसवर उपाय बेसी ध्यान देवा पड़ो आज आपण को अन्य मानकर आवश्यकता उपरे ध्यान केंद्रित करबा उचित जदि पिला बेसी छाड़ देबा कारण आपण बाधा सृष्टि होई पारे निराश नहीं केबे केबे विफल हेबा खराब कथा नुह ताहा तो जीवनर सुंदरता प्रतिष्ठा कारण काम कार्य एवं थका मानसिक चापरे भार होई पारती टीवी बा मोबाइल रो अत्यधिक व्यवहार अजथा समय अपचय व्यतीत आउ किछि होई पारे नहीं जीवन साथी को लेकिन आपणकर कौनसी योजना किंबा कार्य खराब होई पारे किंतु धैर्य रखंतु आज सामाजिक स्थिति अर्थनैतिक प्रगति पारिवारिक परिस्थिति को संतुलित करि रखिबे सामयिक यात्राकालीन बंधुक सहित मतांतर सृष्टि होई अशांति उपजी पारे कर्म क्षेत्र में मध्यम टेंशन दूर हेब ईर्षा परायण बंधु मान द्वारा मिथ्या गुजब मन को आतंकित करदेव आपण आज प्रतिकार चाउल दान करतु यह द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब एबे आसंतु जाणिने बा सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक आज दिन टी किपर रहिब आज पूरा दिन काम लग रहा शत्रुभरा अनुभव करेंगे अर्थ अवस्था निहाती भाव उन्नति हेब आपणकर ध्यान आपण को नुआ बंधु बनैबारे साहाज्य मिलजिबो आपणकर साथी आज आपण देवदूत परी लगे जदि आपण टिके भल पाइबा देबे जहाँ कार्य आपण करिछंती तहार प्रशंसा आउ काहाकु नेबाकु दियंतु नाही आपण से ही लोकंक आड़कु हात बढ़ातु जो मैंने आपण को साहाज्यर अनुरोध करुछंती आपण को आपण जीवनसाथी अनेक दिन अपेक्षा आपणकर बेसी ध्यान रखिबे प्रत्युष यात्रा रे सतर्क न रहिले धनहानि होई पारे कर्म क्षेत्र रे किछि नूतन पदक्षेप नेबा पूर्वरु भल भाव चिंता करंतु प्रत्येक कथा को भय एवं आशंका कारण कौनसी कार्य करि परिबे नाही निज लोकंक ठारु जहा एवं जेतिकि परिमाण रे पाइबा कथा पाइबा कष्टकर होई पड़िबो आपणक आज प्रतिकार होउछि आज आपण कौनसी भी मंदिर रे मीठा को भोग कर लगाई दियंतु यह करने द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब एबे आसंतु जाणिने बा कन्या राशि व्यक्ति विशेषक आज दिन टी किपर रहिबो शरीर सुस्थ रहिबो आज आपण को वास्तविक लाभ मिलिबो
ଯଦି କୌଣଠି ବହୁତ ଦିନରୁ ନିବେଶ କରିବେ ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ଉପରେ ବି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ବନେଇ ପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ ଭାବେ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ ବୈଠକରେ ନହେଲେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ହାନି ହୋଇପାରେ। ଅବସର ସମୟ ଆପଣ ମନ୍ଦିର, ଗୁରୁଦ୍ୱାର ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାଟିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ମନର ସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ନିଜେ ରହୁଥିବା ପରିବେଶର ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନରେ ରାସ୍ତା ଖୋଜି ବାହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସାମ୍ବାଦିକତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଜି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କିମ୍ବା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବେଲପତ୍ର ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଖେଳା ଖେଳିରେ ଭାଗ ନେଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବିବାଦିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଖାସା ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ କୌଣସି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କଳା ଏବଂ ରଚନାରେ ଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଯାହା କାରଣରୁ ହଠାତ୍ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ନିଜର ସୀମା ବାହାରକୁ ଯାଇକରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗରେ ଭରା କେବେ ନଥିଲା। ମନ ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି କାମ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ନୀଚ ଜାତିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କଳହର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଭା, ସମିତି, କଚେରୀ ମାମଲା ତଥା ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ଯାନବାହନ ମରାମତି, ଅଧସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ କଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଅସୁସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଖୋଲା ବାୟୁରେ ଖେଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆକର୍ଷିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଏବଂ ତପସ୍ୟା ଅଧିକ ଲାଭକାରୀ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଆଜି ନିଜର ଘରର ସେମିତି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଫେରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। କାମ ଅଟକିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚେଇଁ ରହିବ। ନିଜର ବରିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଘରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଜି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହା ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଭିତରେ ସଫଳ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଯୋଗୁଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଆଜି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଜମି ଜମା, ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ପରିବହନରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଇସା କେଉଁଠି କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ନିହାତି ଭାବେ ଦରକାର, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ପିପାସା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ବନ୍ଧୁ ବନାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
हटात मिलिथिबा कोनोसी सुखद समाचार आपणको मीठा स्वप्न प्रदान करिवो। यदि आपण व्यवसाय रे नूतन भागीदार बा जोडीबा पई विचार करूछंती ताहले मध्य एहा निहाती दरकार कि आपण तांको कोनोसी कथा देबा पूर्वरु सबु तथ्य को भल भाबरे अनुसंधान करंतु। आज अधिकतर समय आपण सोई रहिबे, संध्या रे आपण बुझी परिबे कि आपण केते समय नष्ट करी सारिछंती। कुहा जाए कि स्त्री शुक्र एवं पुरुष मंगल ग्रह रे रहंती, किंतु आज दिन रे मंगल एवं शुक्र दुहे परस्पर सहित मिसी जिबे। मन बुझिला भळि कथा कहि परिस्थिति को सरलीकृत करिबारे समक्ष हेबे। सभा समिति रे अन्य मानंकर मत को सम्मान दे कार्य कले अपेक्षाकृत सफलता पाई पारंती। जमि जमा प्रशासनिक स्तर रे मध्य कोनोसी विवाद एवं माली मकदमारे मध्य स्थिति अनुकूल होई पारे। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची कोनोसी धळा रंगर वस्तु को परिधान करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ ओ उज्जवलमय होई जिवो। एबे आसंतु जानिनेबा मकर राशिर व्यक्ति विशेषक पई आजर दिन टी किपरि रहिबो। आज धनी लोकंकर चिंता जोगु निज को समय देई पारिबे नाही, तेनु निज पई आज टिके समय बाहर करंतु एवं निज को खुशी देला भळि काम करंतु। निज को अवहेला करंतु नाही, आजर दिन रे जहा भी करूछंती भाबी चिंती करंतु। जदि आज आपण कोनोसी भूल बाटरे जिबे त पश्चाताप हेबे। आपणक जीवन साथीक सह उत्तम बुझामणा जीवन रे खुशी शांति एवं समृद्धि आनी देबो। आपण जदि आपणकर प्रेमी को विवाह करबा पई चाहूछंती तेबे से विषय रे मध्य कथा हेबा पूर्वरु से केमिति प्रतिक्रिया करिवे से विषय रे मध्य भाबी कि रखंतु। कार्यालय रे जहा सहित सबुठु काम कथा हेउथिले आज तांको सहित भल कथाबार्ता हुअंतु। आज यात्रा करिबा आपणक पई उपकारी होई पारे, किंतु बहुत खर्च मध्य हेबो। आपण एवं आपणकर प्रिय आज निजे निज को निजर सुंदर भावना जणाई पारिबे। जेते प्रकारर काम कले मध्य प्रतिबंधक जोगु अग्रगति होई पारिबो नाही। भल कथा कहिले मध्य बंधुमानक सह संपर्क हानि जोगु चिंता प्रकट करिबे। प्रशासनिक स्तर रे कोनोसी समाधानर रास्ता खोजि बाहर करिबारे मध्य समर्थ्य हेबे। परिवार रे मांगलिक कार्य सकाशे मध्य आलोचना करि पारंती। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची ओम नमः शिवाय। एही मंत्रटीर 108 थर जप अवश्य करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ ओ उज्जवलमय होई जिवो। एबे आसंतु जानिनेबा कुंभ राशिर व्यक्ति विशेषक पई आजर दिनटी किपरि रहिबो। आपणकर ऊर्जार स्तर उच्च रहिबो, एक नूतन बुझामणा शेष रूप मध्य नेबो एवं धन प्राप्ति रे मध्य पिला माने आज आपणकर घरै कार्य सारिबारे सहयोग देबे। आज प्रेमर निसारे वास्तवता एवं स्वप्न मिसी करी एकापरि जणा पडुछि, ताहाकु आज अनुभव करंतु। कार्य रे परिवर्तन कारणरु आपणकु लाभ मिली पारे। यात्रा करिबा समय रे आपण नूतन जगा को भ्रमण करिबाकु जिबे एवं महत्वपूर्ण लोकंक सह साक्षात्कार मध्ये आपणकर हेबो। आज दिन रे आपणकर वैवाहिक जीवन गोटे सुंदर परिवर्तन मध्ये देखिबाकु मिलिबो। आजर प्रतिशो यात्रा नूतन स्थान परिदर्शनर मध्ये सुजोग लाभ करिबे। बंधुंक सहायता रे पारिवारिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र बुझामणा रे श्रृंखलित हेबो। नूतन योजना शिल्प वाणिज्य व्यवसाय परिवहनरे मध्य सफलता आपणकु मिलि जिवो। निजर लोक माने अनेकतर प्रभावित होई शत्रुता करि पारंती। आपणक पई आज प्रतिकार हेउची षंढकु किछि खाइबाकु दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी शुभ ओ उज्जवलमय होई जिवो। एबे आसंतु जानिनेबा मीन राशिर व्यक्ति विशेषक पई आजर दिन टी किपरि रहिबो। आपणकर व्यक्तित्व सुगंधित परि महकिबो एवं समस्तंकु आकर्षित मध्य करिबो। जेउ व्यक्ति माने अकारण रे धन अपव्यय करंती से माने आज निजे बद खर्च उपरे मध्य काबू रुकिबाकु पड़िबो। निज जीवन रे गोटे संगीत जन्म करंतु।
ସମର୍ପଣର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଫୁଲକୁ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଧିକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ କୌଣସି ଉପହାର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମର ଅଧିକତା ହେତୁ ତାହା କରିବାରେ ଟିକେ ଅକ୍ଷମ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଅନେକ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ। ଆଜିର ଦିନଟିରେ ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନ ତଥା ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ସରଳର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବେ। ନୂତନ ଗୃହ, ଯାନବାହନ ଆଦି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି, ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଷଣ୍ଢକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଶୁଭ ଓ ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ଆମ ରାଶିଚକ୍ରରେ ଥିବା 12ଟି ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।